हे गाइस, वेलकम बैक टू मधुलिकार स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जयपुर की ब्लू पॉटरी। जयपुर की ब्लू पॉटरी संसार भर में प्रसिद्ध है और इस कला को ब्लू पॉटरी कहा जाता है। तो आज इस आर्ट फॉर्म को मैं एक MDF के बेस पे बनाने जा रही हूँ। अगर आप ये आर्ट फॉर्म जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बीच बीच में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूंगी और इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना प्यार इसी तरह से मुझे देते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आर्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राउंड MDF लिया है, वो भी 12 इंच का। तो आप चाहे तो टेराकोटा प्लेट भी ले सकते हैं। इसकी जगह पे मैंने टेराकोटा प्लेट नहीं लेके यहाँ पे MDF लिया है। और इसको बेस कोट करने के लिए हम या तो जेसो का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्रेलिक वाइट पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जेसो और एक्रेलिक वाइट पेंट को मिक्स करके मैंने यहाँ पे बेस कोट दिया है। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और इसके मैंने यहाँ पे दो कोट किए हैं क्योंकि सिंगल कोट में ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इसके मैंने दो कोट किए हैं। तो जब हमारा ये दोनों कोट हो जाए तो उसको हमने पूरा ड्राई करना है। तो इस तरह से हमारा ये कोट बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ड्राई है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं बेस में भी इसके बैक साइड में भी सेम प्रोसीजर करूँगी जो हमने फ्रंट में किया है। और डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मैंने ये इमेज लिया है, वो मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। और इसको ट्रेस करने के लिए मैंने कार्बन पेपर लिया है येलो कलर, और पेंसिल और कोई भी खाली रिफिल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप। और मास्किंग टेप ले रही हूँ यहाँ पे मैं, और इस तरह से इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी क्योंकि जब हम ट्रेस करते हैं तो ये हमारा मूव होने का रिस्क रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको सिक्योर करने के लिए टेप लगा देंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। और डिज़ाइन को भी मैंने राउंड कटिंग कर लिया है ताकि ईजिली मैं इसको ट्रेस कर पाऊँ यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं ब्लू पॉटरी का। तो मैंने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन लिया है। तो अगर आपको ये वाला सेम डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन आपको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन ट्रेस हो गया है। और यहाँ पे येलो कार्बन का यूज़ इसलिए किया है मैंने ताकि ब्लू कार्बन से इंक का फैलने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे येलो कार्बन का ही यूज़ करें आप। और यहाँ पे मैंने एक्रिलिक कलर्स लिए हैं, फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस लिए हैं। यहाँ पे मैंने अल्ट्रा मेरीन ब्लू, स्काई ब्लू एंड वाइट कलर, तीन कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। और फ्लैट एंड राउंड ब्रशेस का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि राउंड ब्रशेस हमारी आउटलाइन के लिए बेस्ट है, इजीली हम इसको आउटलाइन कर सकते हैं क्योंकि फ्लैट ब्रशेस से हम आउटलाइन करने में थोड़ा मुश्किल आता है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। पहले मैंने आउटलाइन राउंड ब्रश के साथ किया है और उसके बाद उसको फैलाने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है। अगर आप फ्लैट ब्रश या राउंड ब्रश के साथ कंफर्टेबल है कोई भी एक के साथ तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर्स का सिंगल कोट लगा रही हूँ, फर्स्ट वाइट, अल्ट्रा मैरिन ब्लू एंड स्काई ब्लू। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सिंगल कोट करूँगी और उसको हम ड्राई होने का वेट करेंगे। यहाँ पे ग्लास कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं पर मैं यहाँ पे ग्लास कलर्स यूज़ नहीं करके एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। जयपुर ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर राजस्थान का एक प्रमुख सांस्कृतिक विरासत है, यह एक अनोखी कला है। इस कला का इतिहास सन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह कला अक्सर गहनों, बर्तनों और विभिन्न प्रकार के सामान बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से मैंने तीनों कलर के सिंगल कोट कर दिए हैं। पूरा डिज़ाइन मैं इस तरह से ही फिल कर दूंगी जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। ब्लू पॉटरी रंग बिरंगे और शानदार विशालता के रंगों में की जाती है। इसमें नीला, हरा, पीला, लाल और सफेद रंग सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। इसमें मृदु पट्टियां और ज्योमेट्रिकल आकृतियां भी अक्सर देखी जाती है जो कि इसको और भी आकर्षक बनाते हैं। जयपुर ब्लू पॉटरी बनाने के लिए कुछ विशेष सामग्री का इस्तेमाल होता है जैसे कि गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी, मीठा सोडा और काटेर की लाई। इन सबको मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जिसे फिर पॉटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसे ओनली अल्ट्रा मेरीन ब्लू के साथ भी करें तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। अल्ट्रा मेरीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप कोई भी कलर यूज़ करके इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे 3 कलर्स यूज़ किए तो आप चाहे तो इसको 2 कलर्स में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी कर सकते हैं।
यह पॉटरी बहुत ही सुंदर लगती है और इसका नाम भी उसके रंग और डिजाइन के हिसाब से है। इसमें नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल होता है जिससे इसकी पहचान होती है। इस कला का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा सिंगल कोट कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करेंगे, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं क्योंकि सिंगल कोट में ना ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, तो जब हम उसका डबल कोट करते हैं तो हमें फिनिशिंग नज़र आती है, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो जब ये पूरा कलर सिंगल ड्राई हो जाए उसके बाद आप सेकेंड कोट अप्लाई करें। जयपुर ब्लू पॉटरी बनाने का तरीका भी खास होता है। इसमें हाथों से बनाया जाता है और फिर उस पर अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। यह पॉटरी न केवल देखने में सुंदर होती है बल्कि इसका उपयोग कई जगह पर होता है। लोग इसे सजावट के लिए और गिफ्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लू पॉटरी की विशेषता यह है कि यह किसी भी तरह के गंदक और मिट्टी के बिना भी बनाई जा सकती है। इसमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग होता है और जो इसे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाता है। मिट्टी, पानी और पौधों का तेल जैसे प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल होता है जो इसे विशेष बनाता है। तो बातों ही बातों में हमारे दो कोट कंप्लीट हो गए हैं और अब मैं यहाँ पे आउटलाइनिंग वर्क कर रही हूँ। तो आउटलाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर लिया है। तो 3D आउटलाइनर को मैं एक कोन बना के कोन में फिल कर रही हूँ। तो कोन कैसे बनाया है इसका लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कोन कैसे बनाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी उस वीडियो का, ताकि आप देख सकते हैं कि हमें कोन कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से मैंने पूरा 3D आउटलाइनर इसमें फिल कर लिया और जो बहुत ही ईजी हो जाता है आउटलाइन करने के लिए, आप अगर उससे कंफर्टेबल है तो आप डायरेक्ट उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे मैं डिज़ाइन को इस आउटलाइनर से कवर कर रही हूँ। जयपुर ब्लू पॉटरी का प्रचलन देश भर में है और ये विदेशों में भी बहुत फेमस है। भारत के अलावा ये पॉटरी अन्य देशों में भी काफ़ी डिमांड में है। जयपुर ब्लू पॉटरी का इतिहास विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के समय से जुड़ा है। इसका प्रथम उल्लेख सन 14वीं शताब्दी के कारणों में है, जब इसके निर्माता मुगल सम्राटों के द्वारा जयपुर के पास आए थे। मुगल शासकों की प्रेरणा से यह संस्कृति के प्रसार और विकास में वृद्धि हुई और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो यहाँ पे आउटलाइनिंग होने के बाद जो हमारा आउटर सर्कल है, तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक लीफी पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी लीव्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी लीव्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। तो पैटर्न आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये पूरा लुक फिनिश हो गया है। उसके बाद जो सेंटर का फ्लावर है, तो यहाँ पे मैं कुछ शेडो वर्क क्रिएट कर रही हूँ। तो एक राउंड ब्रश लेके मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रही हूँ और बहुत ही उसको थोड़ा पानी मिक्स करके उसको थोड़ा मैंने पतला किया है और बहुत ही लाइट लाइट ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए हैं। एंड यहाँ पे मैंने कुछ और पैटर्न किए हैं, वो भी 3D आउटलाइनर के साथ। तो आप चाहे तो कोई और भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली बस हमारा ये आउटर सर्कल बाकी था आउटलाइन करने के लिए, तो वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ही हमारी प्यारी सी ब्लू पॉटरी क्रिएट हो गई है। तो गाइज मुझे बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसे लगी और एंड में इसे सिक्योर करने के लिए वार्निश करना ना भूलें। आपके कमेंट का मुझे बहुत वेट रहता है, तो कमेंट करके मुझे बताएं आपको कैसा लगा, और पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।